द फ्रूट। क्या होता है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट? जरूर आएगा उनमें। कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें? इट इज ए मैच्योर और पकी हुई राइपन ओवरी, चाहे तो मैच्योर ओवरी कहो चाहे राइप, राइपेंड लिखना ज्यादा सही है। Developed after fertilization. कभी-कभी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट है वो। द फ्रूट formed without fertilization is called parthenocarpic fruit। तो बीज होगा या नहीं होगा? इसमें बीज नहीं होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के बीज वाला भी बन जाता है, उसे एपोमिक्टिक कहते हैं। वो सिलेबस में नहीं है। जो फ्रूट की वॉल होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं, जिसे छिलका कहते हो। फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। अब पेरिकार्प ले आते हैं सेंटर में। पेरिकार्प जो फ्लैशी है, गूदेदार, फ्लैशी पेरिकार्प। इसको तीन में बांटते हैं। पहला एपिकार्प, ये आउटर होगी। दूसरा मीजोकार्प, ये मिडिल होगी। तीसरा एंडोकार्प, ये सबसे अंदर होगी। अब एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। अगर आप आम देखा हो, सभी ने देखा होगा, ये कटा हुआ आम है। सेंटर में गुठली होती है। ये जो पका सा हिस्सा है, ये पका हुआ हिस्सा है आपका।
ये अंदर गूदा है इसका। अरे मिट गया, कोई बात नहीं। ये बीच में गुठली है, ये जो खाने वाला हिस्सा है आपका। तो बेटे इसका जो बाहरी वाला छिलका है पीला वाला, ये एपिकार्प। जो खाते हो आप आम का हिस्सा, वो मीजोकार्प। ये सेंटर में जो है ये सीड है, और जो सीड के चारों तरफ, जो गुठली के चारों तरफ का हिस्सा चिपका हुआ है, वो एंडोकार्प। दो बातें नोट करनी है। जो मैंगो होता है, इन मैंगो एंड कोकोनट, जो फ्रूट होता है उनका इज कॉल्ड ड्रूप। फ्रूट के अलग अलग नाम हैं, जैसे किसी में फली होती है तो उसे पॉड कहते हैं, इसको ड्रूप कहते हैं। कैसे बनता है? डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी, एक कार्पेल वाली ओवरी। सुपीरियर, कल बता चुका हूं क्या होती है, सुपीरियर ओवरी। और एक ही बीज होता है, एंड आर वन सीडेड। दूसरा भी एक और बात नोट करना है, जो कोकोनट होता है जिसे ड्रूप कहेंगे उसको भी, जो मीजोकार्प होती है उसकी फाइब्रस। इस फाइब्रस। जो नारियल का आप वो धागा सा हटाते हो, जैसे ये नारियल लिया आपने, ठीक है, इसे हटा दोगे, ये तो है सबसे बाहर वाली एपी। इसके अंदर फिर ऐसा नारियल आएगा, यह है मीजो। जब इसे भी हटा दोगे तो आपके पास गोला आ जाएगा, यह है एंडो। बात समझ में आ गई? और इसके अंदर भरा रहेगा पानी और एक ओव्यूल, ऐसे करके। तो फल, इसका अंतर समझ में आ गया? ये नारियल हरा वाला नारियल है जो आप लेते हो, जब वो सूख जाएगा, ये हरा वाला है, तो फिर उसको ऐसे करके बाल आ जाएंगे ब्राउन कलर के, उसे भी हटा दोगे तो नीचे गोला आ जाएगा। इस गोले को आप हथौड़े से तोड़ोगे तो सफेद रंग का कर्नेल निकलेगा, जिसे आप खाओगे, वो उसकी एंडोस्पर्म। अब हम सीड का जिक्र करें।